स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल. टुडेज लेक्चर नंबर 5 एंड हियर वी आर अगेन बैक विद द एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट. इन लास्ट टू एप्लीकेशंस हमने उनकी इफेक्ट देखे थे कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्या कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है. बट नाउ अभी के लिए अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमें क्या देखना है कि रेजोनेंस का क्या इफ़ेक्ट है, किसके ऊपर इफ़ेक्ट का हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे टू एक्सप्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरह से स्ट्रॉन्गर है किससे, फिनोल से. ओके, सो हियर वी गो. लाइक देखिए, अब यहाँ पर ये किसकी बात कर रहा है, रेजोनेंस किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की. अब जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है तो अब ये बोलेगा कि वहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट. तो रेजोनेंस इफेक्ट हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑलरेडी पीछे देख चुके हैं, ठीक है. जो रेजोनेंस इफेक्ट किसके अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर है. अब ये बोल रहा है यहाँ पर कि जब ये वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये ऑक्सीजन इसके चार्जेस, इसके जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है. जैसे ही यहाँ पर लेगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, RCOO. यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है यहाँ पर. और साथ में क्या बोल रहा है कि जैसे यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव. बट अब यहाँ पर अगर मैं इसी का क्या बनाऊँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है. यहाँ पर अगर क्या बनाऊँ मैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ, ठीक है. यहाँ पर दिस इज इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आया था, कहाँ से, हाइड्रोजन और OH वाली बॉन्ड से, है ना. तो ये यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ चला जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर, क्लियर. और यहाँ पर क्या होता है कि जब इस वाटर के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इन दैट केस हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव, एक लोन पे रही भी है. अब जब ये बोलता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल का. तो कंपैरिजन करने के लिए अगर हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों क्या हैं, एसिडिक ही नेचर, क्योंकि एसिडिक करेक्टर की क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो वो इस बेसिस पे करें कि दोनों के पास क्या है, OH बॉन्ड. क्योंकि हमें बेसिकली एसिडिक प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, H पॉजिटिव को ही तो क्या करना है, बाहर निकालना है ना, एज प्रोटॉन, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव बना के क्या करना है, बाहर निकालना है H को. तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, उसके साथ यहाँ पर क्या किया, वाटर को क्या किया, रिएक्ट किया. और यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं. अब हम यहाँ पर देखें तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है, यहाँ पर क्या आएंगे, ये हाईली स्टेबलाइज्ड है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जा रहा है बच्चा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना. देखिए, पहले इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया है, नेगेटिव चार्ज के. देखिए यहाँ पर क्या लिखा, हाईली स्टेबलाइज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर टू ऑक्सीजन एटम्स, है ना. अब यहाँ पर हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O, ये इसके दो लोन पेयर, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये सब क्या आ गया, हाइड्रोजन, ठीक है. यहाँ पर भी हमने फिर से क्या ले लिया, वाटर, ठीक है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर ने जाके इस हाइड्रोजन को ग्रैब किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया, ठीक है. यहाँ पर क्या बनेगा बच्चा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर दो लोन पेयर और एक एक्स्ट्रा आ गया, अभी ये क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ गया, दो लोन पेयर, प्लस क्या बनेगा बच्चा, हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव, क्लियर. अब इसी के साथ अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बच्चा वो कैसा बनेगा, देखिए ये, सॉरी यहाँ से ये नहीं, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है यहाँ जाएगा एंड दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन द ऑक्सीजन, दैट इज CH3C सिंगल बॉन्ड O, कितने आ गए, तीन लोन पेयर, दैट इज नेगेटिव चार्ज, एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद टू लोन पेयर, ठीक है. ये हमने कंपैरिजन देख लिया है ना. एक और बनाते हैं, दैट इज बेंजोइक एसिड से हम लोग बनाएंगे, क्लियर.
ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको ये आ रहा है, दैट इज ये, राइट इसकी रेजोनेंस है, दैट इज सी डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो एंड एच। ये क्या होता है बच्चा, बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, बेंजोइक एसिड है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, फिर से वाटर डालेंगे, है ना, स्लो स्टेप है इसलिए रिवर्सिबल एरर। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जाएगा और इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, दैट इज ये बेंजीन आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, और क्या जाएंगे इसके साथ तीन लोन पेयर। यहाँ पर क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे क्योंकि डबल बॉन्डेड है ना ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यही चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा और ये यहाँ से यहाँ, ठीक है, प्लस यहाँ पर भी क्या बना होगा, हाइड्रोनियम आयन बना होगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, ये स्ट्रक्चर आ गया जो क्या है, रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर सेकंड और स्ट्रक्चर फर्स्ट। अब इसके पास क्या होने वाला है, दो लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली ये बोलता है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अब आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर से देखा होगा कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी क्या था, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, और हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है जो, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है दैट इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये अलग है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में हमने ये चीज़ नोटिस की है, ठीक है, कि ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना बच्चा, दैट इज़ ऑन टू ऑक्सीजन एटम, समझ रहे हो, कि हमने पीछे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, दैट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, है ना, विल बी मोर स्टेबल कॉमा दोज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, एक ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बट कार्बोक्सिलेट आयन के केस में क्या है यहाँ पर बच्चा, कि यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर क्या है बच्चा, टू ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जिसकी वजह से ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो रहा है ना, एक तरह से यहाँ पर हम ये कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर क्या, हमने ये देख लिया है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है मोर स्टेबल है किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखिए यहाँ से सिंपली हमें ये समझ आ जाता है कि कोई भी कंपोनेंट है ना, कोई भी रिएक्शन किस तरफ मूव करती है, स्टेबिलिटी की तरफ रिएक्ट क्यों करेगी, स्टेबिलिटी की तरफ, है ना, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, सो दैट यू गेट अ बेटर जॉब, या कोई भी अगर आपका आगे का एम होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए, है ना, दैट इज लाइक अ स्टेबलाइजेशन। वैसे ही क्या है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, वो एच पॉजिटिव को लॉस्ट क्यों करेगा, टू गेट स्टेबल, है ना, एच पॉजिटिव हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है एज एच पॉजिटिव, तो वो क्यों कर रहा है, टू गेट अ स्टेबिलिटी ना, अगर स्टेबिलिटी, अगर कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल ही ना हो तो वो क्यों जाना प्रेफर करेगा, समझ रहे हो, तो कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि उसके पास दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। वैसे ही जब अब किसकी बात करेंगे, हम लोग फिनोल की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन किसके साथ है, फिनोल के साथ। अब जब हम फिनोल की बात करते हैं यहाँ पर, तो फिनोल का केस हमने देखा है कि फिनोल के केस में मैंने आपको बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाकर दिखाए हुए हैं इन प्रीवियस लेक्चर। अब हम फिनोल का क्या देखेंगे कि जब फिनोल ने क्या किया होगा, एच पॉजिटिव को क्या किया होगा बच्चा, लॉस किया होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर भी क्या है बॉन्ड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, दो लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, H2O, ठीक है, वाटर ले लिया,
यहाँ पे भी क्या होगा, लोन पेयर होंगे, तो यही लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन को ले लेंगे और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसके ऊपर चले जाएंगे बच्चा, ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा लेट मी करेक्ट इट, देखिए तो ये यहाँ पर क्या जा रहा है, इस अब यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या जाना है बच्चा, तीन तीन पेयर दिखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन के, दैट इज ये देखिए तीन लोन पेयर दिखेंगे एक तरह से, दो लोन पेयर एक नेगेटिव चार्ज, है ना। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा क्या था फिनोल एंड दिस इज फिनोक्साइड, क्या आएगा बच्चा हमारे पास, ये क्या है हमारे पास फिनोक्साइड आयन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा बच्चा, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। अब जब ये फिनोक्साइड आयन हमारे पास आ गया तो अब यहाँ पर हमने पहले ही जैसे बात की कि स्टेबिलिटी है ना, इट मीन्स कि फिनोक्साइड कहीं ना कहीं क्या है, स्टेबल है, तभी तो फिनोल क्या कर रहा है, एच पॉजिटिव को लॉस्ट कर रहा है ना, लॉस्ट कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, एज एच पॉजिटिव एक्टिंग एज एसिड, है ना, एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आप, ये स्टेबल हो गया, अब यहाँ पर इसके क्या देखने पड़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, कि कितना कितना स्टेबल है, तो हम कैसे अज्यूम किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने तरह के क्या है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग दिस फिनोक्साइड आयन, ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए आप कि ये मेरे पास क्या आ रहा है, एक फिनोक्साइड आयन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, ये इसी के साथ है, ये इस तरह से आ गया आपके पाई बॉन्ड्स बेंजीन के अंदर। अब यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चा, ये चार्ज यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे, तो दिस विल फॉर्म लाइक दिस, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इस तरह से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना, दो लोन पेयर। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पेयर था, ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ये बॉन्ड यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ये चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा क्योंकि रेजोनेंस होने है ना, सिंगल सॉरी इट्स सिंगल डबल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा पाई बॉन्ड चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाना है फिर से, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब यहाँ देखिए, दैट इज यहाँ पर क्या आ गया, ये इधर चला गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन यहाँ पर क्या आएंगे, दो बॉन्ड्स आ जाएंगे हमारे, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन विद टू लोन पेयर। इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होना है, अगेन फर्दर हमारे पास क्या होने वाला है, ये चार्ज क्या करेगा, डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ से यहाँ क्या करे, इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या आ जाना है, ये देखिए यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पाई बॉन्ड होंगे, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ के इस तरह से, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, दैट दिस नेगेटिव चार्ज विल गो देयर, एंड ये जो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो कहाँ फिर से चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, राइट, ये इस तरह से, ठीक है, ये आ गया ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेट मी, ये यहाँ पर हम इसको ज़ूम करिए, स्ट्रक्चर वन है, दिस इज स्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। अब यहाँ पर हम अगर इस चीज़ को समझें तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर किस टर्म में क्या है, स्टेबल है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको ये विजिबल होगा, यहाँ देखिए, अब हमने जब कार्बोक्सिलेट आयन की बात की थी ना बच्चा, जब हमने किसकी बात की थी बच्चा, कार्बोक्सिलेट आयन की, अब उस कार्बोक्सिलेट आयन में क्या हो रहा था कि जो नेगेटिव चार्ज था, चाहे दो ही स्ट्रक्चर बन रहे थे, पर वो किसके ऊपर था, ऑक्सीजन एटम के ऊपर, है ना, दो ऑक्सीजन एटम थे वहां पे, क्यों, अब दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर थे, और ऑक्सीजन एटम क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्या है बच्चा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट। अब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑलरेडी, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, दैट ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा था, बट जब हम किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया बच्चा, जब हमने किसकी तरफ मूव करना देखा, यहाँ देखा जब हमने कि देखिए यहाँ जब देखा, तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन इन स्ट्रक्चर वन एंड फिफ्थ, है ना, जिसमें बॉन्ड जो हैं वो
एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल डी लोकलाइज मतलब अपोजिट पोजिशंस पर हैं एक तरह से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ इस केस में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है बच्चा, ऑक्सीजन एटम के ऊपर है, ठीक है, इन दो स्ट्रक्चर्स में। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन कौन से बच रहे हैं अब, लेकिन जब हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं बच्चा, स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो है, इस केस में क्या बोल रहा है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो तो किसके ऊपर आ रहा है, कार्बन एटम के ऊपर है ना, कार्बन एटम के ऊपर आ रहा है, और कार्बन एटम क्या है, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है, क्या है बच्चा, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। अब जब ये लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है तो ये एक तरह से क्या कॉज कर रहा है, अनस्टेबिलिटी है ना, या हम बोल सकते हैं लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है किसकी तरफ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर दो जगह तो स्टेबिलिटी, पर तीन जगह पर क्या आ रही है, एक तरह से अनस्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। अब जिसकी वजह से ये क्या बोलता है कि यहाँ पर कि जो फिनोल की एसिडिटी है ना, कि जो हमारे पास क्या आ रही है बच्चा, इसकी वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं दैट कि फिनोल जो है वो लेस एसिडिक है, किससे बच्चा, एज कंपेयर टू किसके, फिनोल के, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ऑल्दो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, बट नेगेटिव चार्जेस ओनली ऑन द ऑक्सीजन एटम, कहीं कार्बन पर नहीं जा रहा है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है कि कार्बन के ऊपर जा रहा है। अगर स्टेबिलिटी मिल रही है तो कहीं ना कहीं लेस स्टेबिलिटी, मतलब उसकी तरह से उसके फैक्टर को क्या कर रहा है, एक तरह से कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ऑल्दो फिनोल इज एसिडिक, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में क्या आ रहा है बच्चा, कम एसिडिक आ रहा है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, नॉर्मली सोसाइटी में क्या किया जाता है, एक पर्सन को दूसरे पर्सन से क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है ना, तो वैसे ही हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल को क्या किया, कंपेयर किया, इन दैट केस कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन, किससे हमारे पास, किससे ज़्यादा एसिडिक आ गया, फिनोल से ज़्यादा क्या आ गया, एसिडिक आ गया। लेट अस गो थ्रू दी थियोरी पार्ट सो दैट हमें चीज़ें क्या हो जाएं, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं, क्लियर। देखिए यहाँ पर ये बोले कि जो स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड और क्या था फोर्थ स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर सेकेंड थर्ड और जो क्या है फोर्थ स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज है। मैंने आपसे यही बताया है ना, पीछे भी स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे, इफ़ यू वॉन्ट आई कैन ड्रॉ ओवर हेयर राइट नाउ, ठीक है। जो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर थे, ये स्ट्रक्चर था ना हमारा, देखिए ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो लोन पर, यहाँ ये स्ट्रक्चर वन था आपका, ये स्ट्रक्चर सेकेंड था, ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर थर्ड, ठीक है, ठीक है। इस तरह से क्या था, ये स्ट्रक्चर सेकेंड था, ये स्ट्रक्चर थर्ड था, ठीक है। अभी बोल रहा है कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट नहीं, इट्स सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ जो है हमारे पास, ये क्या है, लेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। बहुत कार्बोक्सिल, अब ये बोल रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और जो फिनोल है, दोनों ही क्या है, एसिडिक इन नेचर है, एज दे हैव, क्योंकि उनके पास क्या है, OH बॉन्ड है ना, पीछे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि तभी तो जो अच्छा है वो क्या होगा, एस एच पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। स्प्लिट्स इन सोल्यूशन टू गिव एच पॉजिटिव आयन और हाइड्रोनियम आयन, हाउएवर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है किस से, फिनोल से। अब इसको एक्सप्लेन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, बाय ये कंसिडर करके कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या कैसी है, किसकी, एक तो कार्बोक्सिलेट आयन की और दूसरी किसकी, फिनोक्साइड आयन की। ऑब्टेन जो हमें जो आयन्स है वो कम मिल रहे हैं जब प्रोटोन का क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है किसे, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल से, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन इज मच मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, अब ये बोल रहा है कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है किसे, फिनोक्साइड आयन से, क्या है बच्चा, ज़्यादा क्या है, स्टेबलाइज्ड है। ड्यू टू किसकी वजह से, जो डिस्पर्सल है किसका, नेगेटिव चार्ज का ओवर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, ये बोल रहा है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या है कि दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर क्या हो रहा है,
चार्ज का डिस्पर्सल होना, मतलब फैल रहा है चार्ज, ठीक है। वेयर एज इन फिनोक्साइडाइन के केस में क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, लोकलाइज है एक तरह से, किसके ऊपर, एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर द नेगेटिव चार्ज, और फिर जो आगे फर्दर डिस्पर्स हो रहा है वो किसके ऊपर जाके हो रहा है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जाके क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, घूम रहा है, जो क्या है, एक कार्बन है, ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन इज वेरी लेस स्टेबल, हैविंग लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, लीस्ट आ रहा है किसकी तरफ, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, हैंस कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई टेंडेंसी, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो क्या रिलीज कर सके, प्रोटॉन को किस में, सोल्यूशन में, देन किससे, फिनोल से। सो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनोल, है ना। तो हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट कार्बोक्सिलिक एसिड is more, they are more stronger than किसे, phenols, ठीक है। I hope ये आपको इतना सा clear हो गया है। Next हम कुछ इसकी examples देख लेते हैं कि हम इसको किस basis पे बोलते हैं, right? अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए हमारे पास जैसे एक reaction है, that is ये आप आगे जब properties of phenol and carboxylic acid जब पढ़ोगे आप लोग, topic होगा I guess alcohol फिनोल वाला, और एसिड के लिए भी हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, अलग अलग टॉपिक, वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो हमारा, अगर सपोज ये मेरे पास क्या है, एक फिनोल है, फिनोल पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखेंगे, दैट इज ट्वाइस ऑफ सी एच, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, क्या बताया बच्चा मैंने आपको पीछे, ये क्या है, एक बेंजोइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस अगर मैं इसमें क्या के साथ रिएक्ट कर रही हूँ, Na2CO3 के साथ क्या कर रही हूँ, रिएक्ट कर रही हूँ, तो ये क्या देगा मुझे, ट्वाइस ऑफ, टू टाइम्स ऑफ क्या देगा, COONa, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ पर, वाटर प्लस CO2, ठीक है। बट अब अगर हम सेम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, फिनोल के साथ करें, ठीक है, किसके साथ करेंगे बच्चा, फिनोल के साथ, दैट इज Na2CO3, देन नो एक्शन इज सीन, मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक है, समझ रहे। तो यहीं से हम कंपैरिजन कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या है, दीज आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल आई कैन ऑल्सो शो यू, दैट इज यहीं पर दिखा देती हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, दैट इफ अगर आई विल डू दी सेम रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड विद NaHCO3, इट्स CO3, देन ये रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, C6H5COONa, ठीक है, फिर से सोडियम बेंजोइट मिलेगा, वाटर प्लस CO2, ठीक है। लेकिन अगर मैं फिर से फिनोल को किसके साथ रिएक्ट करूँ, सेम किसके साथ, NaHCO3 के साथ, जैसे मैंने उसके साथ वहाँ पर किया, ठीक है, यहाँ पर फिर से क्या होगा, कोई भी एक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनोल्स, क्लियर। नेक्स्ट गो टू द अनदर एप्लीकेशन, हेयर वी हैव टू कंपेयर द एसिडिक्स करेक्टर किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड किसका, अल्कोहल्स का, ठीक है। फॉर एन शॉर्ट आई कैन से दैट यहाँ पर कि हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पीछे हम ये देख चुके हैं कि जो फिनोल होते हैं ना, इन प्रीवियस लेक्चर, दे आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। एंड अभी हमने क्या पढ़ा, दैट कार्बोक्सिलिक एसिड किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनोल, तो एक तरह से ऑर्डर दिख गया हमें, है ना, यहाँ पर क्या कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे देन फिनोल, एंड देन विल देन क्या होगा, अल्कोहल विल बी इन द लास्ट। आई होप दिस इज क्लियर, नाउ लेट्स वी मूव टूवर्ड्स हियर। देखिए अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये बोल रहा है, ये मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, अल्कोहल से, इवन कि अगर हम बात करें किसकी, एसिटिक एसिड की, दैट इज CH3COO आज की अगर हम बात करें, वो 10 times क्या है, स्ट्रोंगर है किससे, इथेनॉल से। व्हाट इज इथेनॉल, C2H5OH, ठीक है, इससे क्या है, ज़्यादा क्या है,
स्ट्रोंगर है, ठीक है। अब इसको किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय रेजोनेंस इफेक्ट। बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज कार्बोक्सिलेट आयन, पीछे बताया अभी मैंने आपको कि दोनों ही क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हाउएवर जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो क्या करेगा, एच यहाँ पर हमने ये रिएक्शन देखा था ना बच्चा, देखिए कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। यहाँ पर जब जैसे ही हमने इसको किस में डाला था बच्चा, पानी में डाला था ना, तो इसके लोन पेयर ने इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर दिया था, तो हमें क्या मिला था, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, दो लोन पेयर एंड वन ऑक्सीजन विद थ्री ने, ठीक है, थ्री चार्ज, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, ओ नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये देखा ना, तो हमने क्या बोलता है कि ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ये क्या है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या करेगा, हमें स्टेबलाइजेशन दिखाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है आर सी, ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से आ गया, और ये क्या आ गया, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। इसके पास क्या आ गया, दो लोन पेयर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ गए, तीन लोन पेयर, ठीक है। ये हम देख चुके थे कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से क्या है, ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, ठीक है। अब ये दूसरा क्या बोल रहा है, ये इज मच मोर स्टेबल लाइज देन कार्बोक्सिलेट इटसेल्फ ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर टू ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, दो ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ सर हमें इतना आइडिया मिल गया है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी तरफ देखेंगे, दैट विल बी टूवर्ड्स किसकी तरफ देखेंगे, अल्कोहल की तरफ, कि अल्कोहल का क्या नेचर आ रहा है, ठीक है। लेट मी एडजस्ट दिस, नो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए ऑन द अदर हैंड ये बोल रहा है कि ना ही अल्कोहल और ना ही कोई अल्कोक्साइड क्या है, स्टेबल है किससे, रेजोनेंस से, ठीक है। मोर ओवर ये बोल रहा है कि जो अल्कोक्साइड आयन है उसको कौन डिस्टेबलाइजेशन दे रहा है, दैट इज प्लस इफेक्ट, क्या कर रहा है, उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। जो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करें, उसको डिस्टेबलाइज करें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो रहा है ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और जितना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा उतना वो हाइड्रोजन को थोड़ा छोड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो बींग इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर ना, तो वो उसको होल्ड ऑन करके रखेगा इवन मोर। तो अल्कोहल जो होंगे वो वीकर एसिडिक हो जाएंगे नेचर देन कार्बोक्सिलेट्स, क्योंकि एसिड का मतलब ही क्या है बच्चा, जो जितना ईजिली क्या देगा, एच पॉजिटिव, समझ रहे हो। जब इसके ऊपर ऑक्सीजन जो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जो ऑक्सीजन हमारे पास आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जब नेगेटिव आ रहा है तो वो तो हाइड्रोजन को होल्ड ऑन करके रखेगा ना, उसको जाने ही नहीं देगा, जब जाने ही नहीं देगा तो हाइड्रोजन एच पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक वीकर एसिड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स, नाउ हियर वी विल सी कि जैसे मैंने आपको कार्बोक्सिलेट आयन का दिखा दिया, मैं आपको ना एक एसिटिक एसिड का दिखा देती हूँ, क्योंकि हमने एसिटिक एसिड और किसकी बात की थी, इथेनॉल की बात की थी, क्लियर। दैट इज यहाँ पर हम देखेंगे, दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ये इसके ऊपर दो लोन पेयर है, लेट मी करेक्ट इट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, दिस इज हाइड्रोजन, दीज आर इट्स लोन पेयर, ये क्या आ गया हमारे पास, एसिटिक एसिड आ गया बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको कहाँ डाला, वाटर में डाल दिया, जैसे ही वाटर में डाला तो इसके जो लोन पेयर है इसने इस हाइड्रोजन को ग्रैब कर दिया, और ग्रैब करने के बाद हमारे पास क्या स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं बच्चा, दैट इज सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ विद इट्स टू लोन पेयर, एंड दिस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएंगे, दो लोन पेयर एंड वन इज नेगेटिव चार्ज, प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे, दैट इज सी एच थ्री, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ जाएगा इसके ऊपर, और ये बॉन्ड का यहाँ चला जाएगा, दैट इज कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन विद टू लोन पेयर वन नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, दो लोन पेयर विद डबल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन है, एंड दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड, क्लियर। दिस इज एसिटिक एसिड एंड दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है,
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके ऑफ एसीटेट आयन, किसके हैं बच्चा, एसीटेट आयन के हैं, ठीक है। ये आगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम सॉरी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स अल्कोहल की एग्जांपल की तरफ, दैट इज इथेनॉल, दैट इज CH3CH2OH। ओके, यहाँ पर भी हम क्या डालेंगे इसको, किसके अंदर डालेंगे बच्चा, पानी के अंदर डालेंगे, क्लियर, पानी के अंदर डालेंगे H2O। यहाँ पर भी क्या होगी, ये स्लो स्टेप रिएक्शन होगी, यहाँ पर भी लोन पेयर किसका होएगा, ऑक्सीजन का होएगा और ये इसको ले लेगा, ठीक है। दैट विल बी CH3CH2। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, और ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चलेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, दैट विल बी नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर इसको रेजोनेंस में आना तो यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होगा तो ये CH3 नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये बेसिकली, कि यहाँ पर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, दिस इज डीस्टेबलाइजेशन बाय प्लस इफेक्ट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, डीस्टेबलाइजेशन हो रही है, क्या हो रही है, डिस्टेबलाइजेशन, ठीक है, डिस्टेबलाइजेशन बाय प्लस आई इफेक्ट ऑफ टू अल्काइल ग्रुप, किसका हो रहा है, टू अल्काइल ग्रुप की वजह से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी एक जनरल रिएक्शन देखेंगे, और ये क्या है बच्चा, ये इथोक्साइड है, ये क्या है बच्चा, इथोक्साइड है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस इन द सेंस कि ऑक्सीजन बस ढूंढ रहा है कि कोई भी मुझे ऐसी स्पीशी मिल जाए जो क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो, तो मैं झटपट जाके अपना क्या कर दूं, जो मेरे ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है किसी को जाके दे दूं। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइज है, इसलिए अल्कोहल जाना ही नहीं चाहता, कौन सी इस स्टेज के अंदर अल्कोहल जाना ही नहीं चाहता है। लेट मी मैं क्लियर करती हूँ, लेट मी फर्स्टली राइट डाउन जनरल रिएक्शन, दैट इज ROH, दिस इज अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, H3O पॉजिटिव एंड प्लस क्या आ जाएगा, R के साथ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, दैट इज विद 3 लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या आ रहा है कि नो स्टेबलाइजेशन, ठीक है, स्टेबलाइजेशन किसकी तरफ नहीं होगी, रेजोनेंस की वजह से, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नो स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर लेना, स्टेबलाइजेशन ऑल दो डिस्टेबलाइज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, किसकी वजह से हो रहा है बच्चा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। सी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब ये अपने एक तरह से अपने इलेक्ट्रॉन को खुद से दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को एक तरह से पुश कर रहा है। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हम एसिड ढूंढने निकले थे, है ना, वी वर टॉकिंग अबाउट द एसिड, पर ढूंढते ढूंढते क्या बन गया हमारे पास, इथोक्साइड बेस या अल्कोक्साइड क्या बन गया, बेस। जो बेस है वो तो लोन पेयर, जो उसके ऊपर एक चार्ज आया हुआ है नेगेटिव, उसको डोनेट करने को फिर रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, जो सोल्यूशन में ये एच पॉजिटिव होंगे ना, जो उसको वाटर के अंदर जितने एच पॉजिटिव मिलेंगे, ये जाके उनको लोन पेयर डोनेट करता फिरेगा, तो फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, अल्कोहल, क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर, रेस्ट एप्लीकेशंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप दिस, मुझे लगता है कि आपको ये सब क्लियर होगा, इफ नॉट क्लियर देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट्स को ले लूँगी। एंड सेकेंडली यहाँ पर देखिए कि ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गए, नाउ वी आर लेफ्ट विद टू मोर एप्लीकेशंस, ठीक है, दो एप्लीकेशंस बची हैं, आफ्टर दैट वी विल कवर दी हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट करते हैं इसके बाद आई गेस, देन इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ मूव करेंगे। Till then, take care, bye-bye and stay connected to the channel. और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिनको इसकी नीड है, जो हेल्प, जिनके लिए हेल्पफुल होगा, उनके साथ शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, ठीक है। Till then, take care, bye-bye.